सब्जेक्टिव शीट नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट जिन्होंने ट्राई किया, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, सीरीज पैरेलल के नॉर्मल क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट, 4 में डाउट, 4 में, तीन कैपेसिटर्स हैं जिनकी रेशियो 1, 2 और 3 है, तो मतलब कैपेसिटी सी 2C और 3C है, ऐसा ले लेते हैं कैपेसिटी की रेशियो सी 2C और 3C है, देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन पैरेलल इज ग्रेटर देन दी इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन सीरीज बाय 60/11। तो आप एक काम करो, आप इसके अंदर सीरीज के अंदर इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो, सीरीज के अंदर आप सी इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, यहाँ से सीरीज हो गया, पैरेलल के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगी 6C। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का डिफरेंस 60/11 है, तो आप सी इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ सी निकाल लेंगे, यहां पुट कर देंगे, तो सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी सी की, जो भी सी की वैल्यू आएगी उसको यहां पे और यहां पे पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, तीन कैपेसिटर्स की वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट इसमें, इक्वेशन कैसे बनेगी समझ में आ रहा है? एक बार आप सीरीज कॉम्बिनेशन में सी इक्विवेलेंट निकाल लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सी इक्विवेलेंट निकाल लो, दोनों को माइनस कर लो, सब्ट्रैक्शन आपको गिवन है, और फिर सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, पुट करके आंसर क्लियर। फोर्थ के बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 ये फ्लो नहीं है, व्हाट है, व्हाट वुड यू, या मुझे पता नहीं क्या है, यू कनेक्ट 8, 12 और 24 माइक्रोफेरड कैपेसिटर्स है टू ऑब्टेन मिनिमम कैपेसिटेंस। जब कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो तीनों कैपेसिटर्स ऐड होते हैं, कैपेसिटी मैक्सिमम आती है, तो मैक्सिमम कैपेसिटेंस में तीनों को ऐड कर दो पैरेलल, और मिनिमम के अंदर दोनों तीनों को किस में लगा दो, इन सीरीज लगा दो, 1/C इक्विवेलेंट निकाल लेना, मिनिमम कैपेसिटेंस आ जाएगी। तो एक आंसर तो आ गया मिनिमम मैक्सिमम कैपेसिटेंस, फिर क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर 100 वोल्ट है तो चार्ज बताओ ईच केस में क्या होगा, तो एक बार आप इनको किस में लगा दो, इन सीरीज, 100 वोल्ट लगा देना, यहाँ पर 100 वोल्ट लगा देना, V1 V2 V3 निकालना है, और एक बार किस में लगाना है, पैरेलल, पैरेलल में V की वैल्यू विल रिमेन सेम, तो चार्ज की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो इसके अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के चार्ज निकाल लेना, चार्ज सीरीज में सेम रहता है तो Q की वैल्यू तीनों में सेम कर देना, और पैरेलल में V सेम रहता है, वहाँ से चार्ज निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। तो ये स्टेप भी क्लियर है यहाँ तक। सिक्स के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 8 की फिगर गलत है, 8 की ये फिगर सही कर लो, 8 की ये फिगर सही कर लो, तो 8th में बताओ ये तीनों कैपेसिटर्स किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल तो नहीं है, पैरेलल नहीं है क्योंकि सीरीज में 1, 2 और 3 और 4 सब एक लाइन में कनेक्टेड है, सीरीज कॉम्बिनेशन है इसमें। में लगा लेना, आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9th में डाउट, क्वेश्चन नंबर 10th में डाउट, 10th में क्या निकालना है, फॉर द नेटवर्क एज शोन कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। कैसे? ए और बी में से वायर निकाली हुई है उसने, तो अब ये जंक्शन हो गया, वायर निकाल दी, ये तीनों किस में कनेक्टेड है, इन सीरीज, और जो आंसर आएगा इसके साथ इन पैरेलल, आंसर आना चाहिए, ऐसे किया था, तो ये दोनों सीरीज, किसी का आंसर आया इसमें, आ रहा है ठीक है, तो सीरीज में कर लो ना, 999 सीरीज में क्या आएगा, 3, 3 और 3 पैरेलल में क्या आएगा, 6 आंसर ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11,
इलेवन के बाद क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, 13 में क्या किया, कौन किसके साथ पैरल सीरीज, बोलो। लेफ्ट वाले पैरल लग रहे हैं आपको, कितने लोगों को लग रहा है लेफ्ट वाले पैरल है, कैसे लगता कैसे है? नहीं सीरीज में तो बिल्कुल भी नहीं है, एक वायर में सीधे कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है। देखो आपको क्या सिखाया था, इसको मान लो जंक्शन V1 है, मान लो ये जंक्शन V1 है, राइट। तो अगर ये V1 है तो ये V1 है तो ये भी एग्जैक्टली V1 है, ये V1 है तो ये प्लेट भी V1 है, ये V1 है तो ये प्लेट भी V1 है, ये जंक्शन V2 है तो ये भी V2 है, ये भी V2 है, V1 माइनस V2, ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो पैरेलल, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो पैरेलल। तो यहां पे 1 और 1 किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल, तो क्या आएगा 2, तो 2 और 1 किसमें हो जाएंगे, सीरीज में, और जो आंसर आएगा इस 2 के साथ इन पैरेलल में, तो इन 2 की जगह पहले 1 लगेगा, फिर ये हट जाएगा, फिर ये दोनों किसमें हो जाएंगे इन सीरीज, जो आंसर आएगा इसके साथ इन पैरेलल, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक। नेक्स्ट 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 किया था ऐसा क्वेश्चन हमने, क्वेश्चन नंबर 15 भी किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 सीरीज पैरेलल है, क्वेश्चन नंबर 17 नहीं होगा, यहां करेक्शन करो 4 अब होगा 4। आप सोचेंगे ऐसी क्या प्रॉब्लम जो पहली बार कर रहे हैं, ये क्या चक्कर है, 6 की जगह 4 कर देंगे क्वेश्चन होगा, 6 करेंगे क्वेश्चन नहीं होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि अगर ये 6 रहेगा तो ना तो कोई सीरीज में मिलने वाला है ना पैरेलल में मिलने वाला है, तो अगर ये 4 होगा तो ये और ये रेशियो 1:2 और 2:4 की रेशियो बराबर है, तो एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसकी बीच की कैपेसिटेंस को हटा दो, तो आप हटा सकती हो क्योंकि बैलेंस्ड है, तो ये और ये दो सीरीज में, ये दोनों सीरीज में आपस में पैरेलल में, कोई डाउट इसमें, ये स्टेप क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है हमने, ठीक, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन भी किया हुआ है हमने, 2 सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पैरेलल में, चला क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट ये तीनों पैरेलल में किया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन डाउट है, ठीक है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, देखो अगर आप ये सोच रहे हो कि कैपेसिटर की थ्योरी पढ़ लूं, है ना, फॉर्मूले याद कर लूं, अब मेरे से सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, आपसे एक न्यूमेरिकल भी नहीं होगा, ये आपने देख ही लिया, हर कैपेसिटर में तो नया ट्रिक है, किसी में कोई ट्रिक है, किसी में कोई ट्रिक है, करवाने को तो देखो मैं सच बताऊं, अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी लेवल की बात करते हो, एनसीईआरटी किताब जो नई लेटेस्ट आई है उसमें 10 न्यूमेरिकल है टोटल, खोल के देख लेना, कुछ भी नहीं है, बहुत कम कैपेसिटर, बहुत कम रखा है, बिल्कुल ही बेसिक, ये सीरीज और ये पैरेलल, इतना छोटा, तो एनसीईआरटी में तो सीरीज पैरेलल के अंदर दिक्कत आनी ही नहीं है, वो तो बहुत ही बेसिक देते हैं, एनर्जी के ऊपर देते हैं, न्यूमेरिकल भी देते हैं, बेसिक लेवल, जैसे हम सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स करते हैं बिल्कुल वैसे ही बेसिक है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि एनसीईआरटी में आनी है कि नहीं आनी, प्रॉब्लम ये है कि ये जो बेस बन रहा है ना पोटेंशियल्स का, ये रेजिस्टर्स में बहुत ज़बरदस्त काम आने वाला है, जो अगला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, जैसे सीरीज पैरेलल कैपेसिटर में चलता है वैसी रेजिस्टर में भी चलता है, तो आपको रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी लगने वाला है जब आप एक कैपेसिटर्स सीरीज एंड पैरेलल इसमें कर लेंगे, और कंपटीशन में एक क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया खोल के, कैपेसिटर का आना ही आना है, जो मर्जी कर लो, जो 100% है, तो इसलिए इस की खूब सारी प्रैक्टिस बनती है, तो कम से कम 100 क्वेश्चन तो उसके बनते ही थे जो मैंने आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में दिए हैं, आप ये करें, पुराने पेपर करें, सफिशेंट है। तो इसके अंदर 10 वोल्ट की बैटरी है, बीच का जो पॉइंट है ना अभी उसको ग्राउंड कर दिया, ग्राउंड का मतलब ये होता है VB इज इक्वल टू 0, सही है, ये तो उठा के 0 कर दिया। फिर मुझे सिर्फ अपनी कॉमन सेंस से बताओ, मतलब जितना भी हमने ये सीखा फिजिक्स, बस ये बताओ कि A पॉइंट का पोटेंशियल बड़ा होगा कि C का पोटेंशियल बड़ा होगा, A का बड़ा होगा कि C का बड़ा होगा, क्या लगता है आपको, आपको A का बड़ा लगता है कि C का, A का क्यों लगता है बड़ा,
क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, बिल्कुल सही, क्योंकि ए वाला जो पॉइंट है वो प्लस के साथ कनेक्टेड है और जो सी वाला पॉइंट है वो माइनस के साथ पोटेंशियल कनेक्टेड है, यानी कि सी पॉइंट पे नेगेटिव पोटेंशियल आने वाला है और ए पॉइंट पर पॉजिटिव पोटेंशियल आने वाला है, तो पॉजिटिव पोटेंशियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव पोटेंशियल, सही है? तो एक बात तो पक्की है, ये पोटेंशियल पॉजिटिव आने वाला है, ये पोटेंशियल जीरो है और ये नेगेटिव आने वाला है, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल बी से बड़ा है और बी का पोटेंशियल सी से भी बड़ा है, चाहे वो जीरो है पर फिर भी नेगेटिव से तो फिर भी जीरो बड़ा ही है, सही है यहाँ तक? तो यहाँ पर ये जो दो कैपेसिटर्स हैं और जो दो कैपेसिटर्स हैं वो यूनिफॉर्मली लेफ्ट और राइट पे बैटरी के, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इन दोनों पॉइंट में और इन दोनों पॉइंट में सेम होगी, क्योंकि जितना देखो, अच्छा ऐसे कर लो, एक बैटरी ने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चार लाइन पे लगा रखे हैं और वो भी लाइन में है, तो हर को बराबर पोटेंशियल देने वाली है, ठीक, बराबर पोटेंशियल बांटेगी, 2.5 वोल्ट 2.5 वोल्ट 2.5 वोल्ट 2.5 वोल्ट, तो इसके अंदर ये दो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसमें होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसमें होगा, तो यानी कि यहां पे वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी सी होगा, पहला पॉइंट ये है, ये पहला पॉइंट है कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी सी होगा, क्योंकि जितना पोटेंशियल इसको देगी उतना ही पोटेंशियल फिर इसको भी देगी, ठीक हो गया यहां तक? तो यहां से वी ए प्लस वी सी इज इक्वल टू 2 × VB हो गया, लेकिन वी बी की वैल्यू क्या है? जीरो, तो वी बी को उठा के जीरो, तो वी ए प्लस वी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। क्या ये फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? सही है यहां तक? अच्छा दूसरा, अब ये बताओ कि जो ए पॉइंट है, मान लो यहां का पोटेंशियल वी ए है, मान लो यहां का पोटेंशियल वी सी है, अगर ये वी ए है तो ये यहां कनेक्टेड है तो पॉजिटिव टर्मिनल भी वी ए पे है, अगर ये वी सी है तो ये टर्मिनल किसके साथ कनेक्टेड है? वी सी के साथ कनेक्टेड है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं वी ए माइनस वी सी की वैल्यू 10 वोल्ट है, क्योंकि ये सीधा यहां कनेक्टेड है, ये सीधा यहां कनेक्टेड है, तो वी ए माइनस वी सी, वी ए माइनस वी सी की वैल्यू 10 वोल्ट है, ऐसे? सही, दो इक्वेशंस हैं, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो ना, सॉल्व करोगे तो कैंसिल, कैंसिल करके क्या आ गया? वी ए, वी आ गया तो वी सी आ गया, निकाल लेना आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है लॉजिक क्या है इसमें, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है? ठीक है, कोई डाउट है इसमें? ठीक, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 21 के बाद, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 नहीं होने वाले आपसे, क्योंकि इनको करने के लिए एक लॉ सीखना पड़ेगा जिसका नाम है किरचॉफ लॉ, नहीं तो ये नहीं होंगे। तो मैं इन क्वेश्चंस को वापस उठाने वाला हूँ थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अब मैं सीक्वेंस मेंटेन करूँगा, 12 के बाद 13 असाइनमेंट है, फिर 14, फिर 15, ऐसे करूँगा, अब मैं आगे पीछे नहीं करूँगा, तो इस असाइनमेंट को यहीं छोड़ देते हैं और वापस कैच करेंगे आफ्टर डूइंग किरचॉफ लॉ।